दोस्तों इस वीडियो में हमने बनाया है स्प्रे पंप। ये वोल्टेज 12 वोल्ट का है, 2 से लेकर 5 एम्पीयर तक ये सपोर्ट करता है। इसका फ्लो जो है वो 8.0 LPM लीटर पर मिनट है। इसमें दो वायर हैं, जो दो हैं वो तो आपके उनको मैंने एक ही सिंगल वायर में कनेक्ट करके रखा है, जो है नेगेटिव, और उसको आपको ट्रैक्टर के ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। और जो एक जो रेड वायर है, ये मेन वायर है पॉजिटिव, इसको आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। और फिर ये इसमें टंकी लगी हुई है, ये है 200 लीटर की, और इसमें जो पाइप है ये है 100 फिट का, ये 400 फिट तक सपोर्ट कर सकता है पाइप। और जो दूसरा जो पाइप है वो टंकी के अंदर गया है। ये नोज़ल है और इसमें जो वॉल है वो प्री फिटेड आता है। है और यहाँ जो क्लिप है, जैसे ही आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी, लेकिन उसके लिए इग्निशन ऑन होना चाहिए। और अगर इग्निशन ऑफ होगा और आप इसको कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगी ऑन। और देखिए आप कि जैसे वॉल ऑन करा तो मोटर ऑन हो जाएगी। अगर आप वॉल बंद भी रखेंगे और मोटर ऑन है तो आपकी मोटर नहीं जलेगी। इसमें ऑटोमेटिक कट ऑन ऑफ है, और आप जैसे ही बंद करेंगे तो मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे ही ऑन करेंगे मोटर ऑन। और जब आपका पूरा छिड़काव हो जाए, पूरा काम हो जाए, तो आप यहाँ से क्लिप निकाल दीजिए। और ये छिड़काव करते हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।